हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होगे, बहुत मस्त होगे, अपने अपने फेवरेट कामों में व्यस्त भी होगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए, आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि जिससे कटिंग भी नहीं लगती, सीड भी ग्रो नहीं होते। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं और इतने ब्यूटीफुल प्लांट हैं, महंगे प्लांट हैं, जिनको आप रूट डिवीजन से एक से कई प्लांट बना सकते हैं। एक बार अपने गार्डन में लाके ऐड करिए और साल दर साल वो आपके मल्टीप्लाई हो के आपके गार्डन में फैलते रहते हैं। मैं आप सबको गार्डनिंग के लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहती। चैनल मेरा भले ही पीछे है पर आप मेरा गार्डन देख सकते हो, और मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा गार्डन ही है कि मेरा गार्डन ग्रो करते रहना चाहिए। बाद में पीछे से अगर चैनल भी ग्रो कर जाए तो बहुत खुशी की बात है। तो चलिए मैं बताती हूँ, अगर आपको इस तरीके का जंगल गार्डन चाहिए तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए। आपको बहुत ही आसान आसान से तरीके मिलेंगे इस तरह का गार्डन पाने के लिए। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है आपको, बस आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया करिए। मैं कोई प्लानिंग के साथ वीडियो बनाती नहीं हूँ, वीडियो के दौरान ही मैं बहुत सारी काम की ऐसी बातें आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल सा प्लांट है, रेहू का प्लांट। अब एक से हज़ारों प्लांट इसके बना सकते हैं, जो ये छोटे छोटे बेबी पफ निकलते रहते हैं, ये रूट सहित होते हैं। तो अगर आपको कटिंग लगानी नहीं भी आती तो ये प्लांट आपके ग्रो हो जाएंगे आराम से। ये सिंगोनियम है, सिंगोनियम को भी आप रूट डिवीजन करके एक से कई प्लांट बना सकते हैं आराम से। यहाँ से ये देखिए, ये दिख रही है आपको, इसमें तीन चार रूट सहित अलग अलग प्लांट बन सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ही ये जीजी प्लांट, इसमें भी नीचे नीचे राइजोम बनते हैं, बल्ब बनते हैं। आप वहाँ से इसको डिवाइड करके एक से कई प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद ही ये डबल बैकबोन का प्लांट, इसको भी आप पूरे जड़ से निकालिए और उसको दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, जड़ से दो तीन प्लांट रेडी हो जाएंगे आपके। ये पेंडनन से, इसको भी रूट डिवीजन से एक से कई प्लांट आप बना सकते हैं। ये कैना लिली को तो हमेशा खिलते हुए मेरे गार्डन में आपने देखा है। देखिए, यहाँ भी इतने बर्ड्स बने हैं, यहाँ भी इतने बर्ड्स बने हैं, यहाँ खिल के ख़त्म हो गए हैं। ये भी अंदर ही अंदर इसके बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उनको आप अलग अलग करके हज़ारों, एक से आप कितने भी पॉट रेडी कर सकते हैं, अपने पूरे गार्डन में फैला सकते हैं। सेम ये देखिए, इधर ही छिप गया है, ये ऑरेंज वाला है। इसके साथ भी यही है कि इसके बल्ब से भी आप एक से कई बना सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, बेबी सनरोज का प्लांट, आप इसको भी पॉट से बाहर निकालिए और जड़ सहित इसको दो तीन हिस्सों में आप बांट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, और आपके एक कई पॉट जड़ सहित कोई कटिंग नहीं लगानी है, आपकी रेडी हो जाएगी। प्यारा सा लिपस्टिक एल्लोनीमा प्लांट, जो बहुत महंगा होता है, इसमें भी देखिए, ये देखिए, ये छोटे छोटे ये पफ निकल रहे हैं बेबी प्लांट, इनको आप अलग अलग करके एक से कई प्लांट में इसको आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है ये देखिए, टर्टल वाइन, आप इसको भी, आपको कटिंग नहीं लगाने की ज़रूरत है, आप इसके पॉट से ही दो तीन हिस्सा इसको आप अलग अलग डिवाइड करें और दो तीन पॉट में इसको तब्दील कर सकते हैं, ये जड़ सहित आराम से लगेगा। ये क्लेडियम है, इसके भी नीचे नीचे बल्ब बनते रहते हैं, उन बल्ब को अलग अलग करके आप एक से कई प्लांट, कई पॉट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है ये स्नैक प्लांट, इसकी कटिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें साइड साइड से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, आप उनको निकाल के डिवाइड करके एक से हज़ारों प्लांट में इसको तब्दील कर सकते हैं, और सबको पता है कि ये कितना अच्छा प्लांट होता है। क्रीपर चार्ली का प्लांट भी ऐसी है कि आपको, अगर आपका पॉट भर गया है, आप इसकी पूरी मिट्टी निकालिए और इसको दो तीन हिस्से में बांट दीजिए, ये रूट सहित दो तीन प्लांट इसमें तैयार हो जाएंगे। एमरेस लिली का भी, लिली की जितनी भी वैरायटी है उसके आपको एक बल्ब मिल गए तो वो सालों साल आपके गार्डन में फैलते ही रहेंगे, कभी नहीं जाने वाले। तो बल्ब वाले सारे प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। उसके बाद ही एलोवेरा का प्लांट, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है,
और ये शू प्लांट भी होता है, और ये भी रूट डिवीजन से, इसको एक से कई प्लांट आप एक बार ले आइए, फिर आप इसको बनाते रहिए। उसके बाद रूट डिवीजन से ये मैं दिखाया भी था कि ये इसके ये मिट्टी में टच करते ही देखिए इसमें रूट तैयार हो जाते हैं, और इसके जड़ को भी आप पॉट से निकालेंगे तो आप दो तीन प्लांट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। रूट डिवीजन से ये बहुत अच्छे से बहुत सारे प्लांट इसके रेडी हो जाते हैं, मैंने किया भी है। इसको जड़ से तो नहीं बोल सकती, लेकिन इसके टहनियों में ही इतने एरियल रूट बने होते हैं कि ये इस प्लांट को भी एक से आप कई बड़े आसानी से बना सकते हैं, ये ऑरेंज टिकोमा को। उसके बाद है रॉयल लिली के जितने भी वैरायटी हैं सारे, मेरे तो अभी पिंक ही खिल रहे हैं, बाकी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी साल दर साल नीचे नीचे इसके बल्ब, मैंने पहले एक पॉट के लिए ही इसको ख़रीदा था, अब पिंक वाले मेरे कितने पॉट बन गए हैं, तो वो अंदर ही अंदर इसके बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उनको अलग अलग पॉट में आप लगा दीजिए, आपके ढेरों प्लांट रेडी हो जाएंगे। तो प्लांट तो बहुत सारे हैं, पर आज के लिए मैं इतना ही आपसे शेयर कर पाऊँगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए। ओके फ्रेंड, बाय।